मिले। क्राउड वन एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में हम सबसे बात करते हैं। क्राउड वन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और इनकम करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। ऑनलाइन नेटवर्किंग कंपनी है जिसकी एप्लीकेशन आपको इसके गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी। ठीक है, क्राउड वन के जो फाउंडर हैं और इनका नाम है जोनास एरिक वार्नर, इनको नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में गुरु की उपाधि भी मिली हुई है जो कि कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। इसके बाद कंपनी के जो एशिया पैसिफिक मैनेजर हैं उनका नाम है जैन फ्रॉस्टेनी। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के चीफ ऑफ सेल्स की जो कि जोहान वेस्टरडल है, और इनके बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं। ऑलरेडी 3 साल अपने दे चुके हैं एक ऐसी कंपनी को जिसका नाम है ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम एक जानी मानी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, इसमें ये 3 साल तक CEO रह चुके हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी कंपनी के CEO की जिनका नाम है जोहान स्टेलबॉर्न हॉलस्टेन। ये स्वीडन के एक बहुत ही बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, साथ साथ वहाँ के रिचेस्ट टॉप 10% में आते हैं। इनका विकिपीडिया जाके पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे आपको इनकी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये ऑलरेडी 2 कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं जिसमें से एक कंपनी का नाम है .com और आइकॉन मीडिया लैब। तो इस तरीके की बड़ी प्रोफाइल के साथ में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, और साथ साथ इनके जो नेटवर्किंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है पीटर जैकबसन। पीटर जैकबसन जी 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और काफ़ी सारी कंपनियों को के साथ ये वर्क कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है कंपनी का, बहुत बड़ा नाम है। आगे का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपनी के कुछ और डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ जो कि गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं। गूगल एनालिसिस आपको दिखाना चाहता हूँ इनके। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस फॉर होम। बिजनेस फॉर होम एक वेबसाइट है जिसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ का मोमेंटम रैंकिंग होती है, और यहाँ पर उन्हीं कंपनियों को रैंक किया जाता है जो कंपनी लीगल होती हैं, जो लीगली वर्क करती हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की चिट फंड कंपनी को लिस्ट नहीं किया जाता। इस कंपनी इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है वो 9th रैंक के ऊपर अभी यहाँ पर चल रही है बिजनेस फॉर होम पर। आप जाकर इसके बारे में और भी डिटेल्स अपने आप से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इतना इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें आप भी सर्च करें। इसके बाद मैंने एक वेबसाइट और दिखाना चाहता हूँ आपको जिसका नाम है हाइपस्टेट। हाइपस्टेट एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को देख सकते हैं, उसके एनालिसिस डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एमवे और क्राउड वन का एक कंपैरिजन किया है छोटा सा। मैं एमवे के साथ इसका कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ डेटा क्या कह रहा है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे डेली यूनिक विजिटर्स यहाँ पर, तो कंपनी के 3 लाख से ज़्यादा यूनिक विजिटर्स हैं और एमवे के अभी 1.5 लाख के करीब हैं। मंथली यूनिक विजिटर्स अगर आप बात करें तो 7 लाख हैं, सॉरी 78 लाख हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेली पेज व्यू की बात करें तो वहाँ पर भी एमवे से ऊपर चल रहा है क्राउड वन। एलेक्सा रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो एलेक्सा रैंकिंग में 16,000 पर एमवे है और 7,000 के समथिंग में क्राउड वन है। तो ये सब डेटा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 14 मंथ्स पुरानी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, कंपनी की जो नीतियाँ हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। और ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि काफ़ी लोग इस डर की वजह से कि क्या कंपनी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि कोई नई चीज़ जब कंपनी आती है तो लोग उसको एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि एक नेगेटिव माइंडसेट होता है। जब भी आपको कोई नया नए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हम उसको सबसे पहले नेगेटिव वे में ही देखते हैं, और इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि आज ये कंपनी इन सब कंपनीज़ को कम्पीट कर रही है। और एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक रेवोल्यूशन आप इसे कह सकते हो, जो अभी मार्केट में आया है और इंडिया के अंदर अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके हाथ में है। इसके अंदर लोग महीने के लाखों रुपए, नहीं दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ स्क्रीनशॉट इनकम के एक एक दिन के, तो उसके लिए आप बने रहिए। बीच में आपको उनकी स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, किस बेस के ऊपर काम कर रही है। इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। इनका जो कहना है कि हम लोग क्राउड वन के थ्रू क्राउड को इकट्ठा करते हैं और साथ ही हम लोग हमारी जो 2 अदर कंपनीज़ हैं वो गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करती हैं और वहाँ से हमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू को
भी हम अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, और लीडिंग गेमिंग कंपनीज के साथ में इनका एक बॉन्ड रहता है कि उनको जो भी रेवेन्यू क्राउडवन के प्लेटफॉर्म से जनरेट होगा, उसके क्राउड के थ्रू होगा, उसका थर्ड पार्टी कंपनीज यहाँ पर क्राउडवन को प्रॉफिट शेयर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी क्या है। कंपनी जो है वो है इम्पैक्ट क्राउड टेक्नोलॉजी, जो कि इनकी मदर कंपनी है, जिसके अंदर हमारी कंपनी आती है क्राउडवन। उसके बाद इसकी दो अदर कंपनीज और आती हैं, जिसका नाम है एफिलगो एंड मैजिस्टर। एफिलगो और मैजिस्टर क्या करते हैं, क्राउड वन का काम है लोगों के साथ कनेक्ट करना, क्राउड के साथ कनेक्ट करना। एफिलगो का काम है गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म के साथ में टाई अप करना हर कंट्री के अंदर, जो कि लीगली गेमिंग और बैटिंग्स करवाते हैं। और मैजिस्टर का नाम है काम है यहाँ पर सोशल गेमिंग के साथ में टाई अप करना, जो कि मोबाइल और पीसी गेम्स होते हैं। इस इंडस्ट्री को क्यों चूज़ किया गया कंपनी के द्वारा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि अभी तक इस सोच के साथ मार्केट में कोई कंपनी नहीं उतरी है। गैम्बलिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो ये 565 बिलियन डॉलर की अभी करेंटली 2022 तक होने वाली इंडस्ट्री है, और एक बहुत बड़ा मार्केट है। और साथ ही अगर हम बात करें मोबाइल गेमिंग और पीसी गेमिंग इंडस्ट्री की, तो करेंटली वो 2009 में 151 बिलियन डॉलर की ऑलरेडी मार्केट थी, और 2020 तक ये 165 बिलियन डॉलर की मार्केट होने वाली है। तो इतना बड़ा मार्केट और इतना बड़ा रेवेन्यू इस प्लेटफॉर्म इस मार्केट के अंदर है, जिसकी वजह से क्राउड वन ने इस प्लेटफॉर्म के साथ में इन दो मार्केट के अंदर एंटर करने का सोचा। ठीक, अभी एफिलगो जो काम करता है, एफिलगो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो गैम्बलिंग्स और बैटिंग साइट्स हैं, जो कि इस तरीके के गेम करवाते हैं, इसमें आपको बहुत सारे गेम अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, जिसमें आपका स्पोर्ट्स बैटिंग हो गया, रोलेट हो गया, कीनो हो गया, बिग टू हो गया, पिन बॉल, इस तरीके से बहुत सारे गेम्स जो बैटिंग गेम्स होते हैं उनका उन जो प्लेटफॉर्म्स इन बैटिंग गेम्स को करवाते हैं उनके साथ टाई अप करना है। जिसमें से अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर एक कम ऑन के नाम से वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि बैटिंग्स करवाता है। इसी तरीके से अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग कंपनियों के साथ में एफिलगो टाई अप करता है, और इनके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी यहाँ से थर्ड पार्टी कंपनी से रेवेन्यू जनरेट होता है उसको क्राउड वन के साथ शेयर किया जाता है। अब देखिए, इतना अच्छा प्रोफाइल, इतनी अच्छी प्लानिंग और इतना सब कुछ होने के बाद कंपनी के पास एक बहुत अच्छा कंपनसेशन प्लान भी है, जिसके अंदर कि हर एक नेटवर्कर हर एक मेंबर यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, जो कि अगर वो वर्क करता है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकता है, और अगर वो वर्क नहीं कर पाता है तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है इनकम की वो है एजुकेशनल पैकेज सेल्स बोनस, जिसको हम बाइनरी बोनस भी कहते हैं। इसके बाद है दूसरा स्ट्रीमलाइन बोनस, तीसरा है आपका मैचिंग लेवल बोनस, चौथा है आपका लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इनकम, और पाँचवा है आपका फियर ऑफ लॉस बोनस। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी बंदा इस डाउट में है कि क्या हमें यहाँ से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हम कितना कमा सकते हैं नहीं कमा सकते, आप अगर हार्डवर्क कर रहे हैं और अगर आप टीम बना रहे हैं, एक यही डर होता है लोगों का कि अगर मैं टीम बनाता हूँ हार्डवर्क करता हूँ और कहीं कल की डेट में कंपनी बंद हो जाएगी, तो मैंने इसीलिए आपको सारा कंपनी का प्रोफाइल स्टार्टिंग में दिखा दिया। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आप अगर हार्डवर्क करते हैं और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंट होकर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं एजुकेशनल पैकेज बोनस की, जिसको हम बाइनरी बोनस कहते हैं, पैकेजेस की। तो यहाँ पर पैकेजेस में आपका सबसे छोटा पैकेज है वाइट पैकेज, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 99 यूरो, यानी 8,800 रुपये। और यहाँ पर आपको मिलता है इस पैकेज के अंदर सबसे पहले 90 पॉइंट्स मिलते हैं बाइनरी के। एक एजुकेशन पैकेज आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर मिलते हैं क्राउड वन रिवॉर्ड्स 100 यूरो के, और एफिलगो और मैजिस्टर की जो ऑनरशिप राइट होते हैं। ठीक है, दूसरा पैकेज आपका यहाँ पर 270 यूरो का, जिसके अंदर आपको मिलता है 299 यूरो का, जिसके अंदर आपको मिलता है 270 पॉइंट्स बाइनरी का, और इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर एजुकेशन पैकेज, साथ ही आपको मिलते हैं क्राउड वन रिवॉर्ड्स 300 यूरो के। ठीक है, तीसरा आपको मिलता है यहाँ पर गोल्ड पैकेज के अंदर अगर बात करेंगे, गोल्ड पैकेज जिसका अमाउंट है 799 यूरो, और इसमें आपको मिलते हैं 720 बाइनरी पॉइंट्स प्लस
आपको 1,000 यूरो के क्राउड वन रिवॉर्ड्स और एक एजुकेशनल पैकेज जो कि आपको मिलता है रियल इस्टेट का। दोस्तों इसके बाद चौथा है आपका टाइटेनियम पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज, जिसके अंदर आपको 2,499 रुपये की यूरो की आपकी ज्वाइनिंग है। एक एजुकेशन पैकेज इसके अंदर आपको मिलेगा, 2,250 आपको यहाँ पर बाइनरी पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही आपको मिलेंगे क्राउड वन रिवॉर्ड्स 3,500 यूरो के। ठीक है, अब ये क्राउड वन रिवॉर्ड्स मैंने आपको हर पैकेज में बताया, क्राउड वन रिवॉर्ड्स क्या है। ठीक है, तो क्राउड वन रिवॉर्ड क्या है? क्राउड वन रिवॉर्ड है एक जरिया जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करते हैं उन सारी कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में जो कंपनीज हम क्राउड वन टाई अप करता है थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ में, गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ में। ठीक है, आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आपको जो भी क्राउड वन रिवॉर्ड मिल रहा है इसके बेस पर आपको इन थर्ड पार्टी कंपनी से जो भी प्रॉफिट कंपनी को आने वाला है उसका परसेंटेज मिलता है, प्रॉफिट शेयर मिलता है। ठीक है, 40% का। इसमें सबसे पहले अब आपको ये प्रॉफिट शेयर उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपके पास क्राउड वन रिवॉर्ड होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि जब आपने पैकेज खरीदा तो आपको उसमें क्राउड वन रिवॉर्ड मिल गए, वो तो आपको वन टाइम क्राउड वन रिवॉर्ड मिल गए, पर उसको आप कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं और आपको क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपको जो थर्ड पार्टी कंपनी से प्रॉफिट होने वाला है उसका परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपके पास ज़्यादा क्राउड वन रिवॉर्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो इनकम है वो है स्ट्रीमलाइन बोनस की, जिसके थ्रू आप अपने क्राउड वन रिवॉर्ड को हर हफ्ते बढ़ा सकते हैं। जब आप कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं कंपनी आपको 2.5 यूरो के क्राउड वन रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देती है हर हफ्ते। इसके लिए कोई भी आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डायरेक्ट आपको नहीं करना है, आपको ये 2.5 यूरो के क्राउड वन रिवॉर्ड हमेशा मिलते रहेंगे। ये 2.5 यूरो के रिवॉर्ड सबको मिलेंगे, जितने भी लोग कंपनी को ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं और जो भी पैकेज से ले रहे हैं उनको पैकेज में भी क्राउड वन रिवॉर्ड मिलेंगे और 2.5 यूरो भी पर वीक मिलेंगे। अगर आपको परसेंटेज शेयर ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे परसेंटेज शेयर ज़्यादा मिले, तो आप अगर एक डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं तो एक डायरेक्ट करने पर आपका जो 2.5 यूरो का रिवॉर्ड था वो 5 यूरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको 5 यूरो के क्राउड वन रिवॉर्ड हर हफ्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप दो ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 7.5 यूरो के क्राउड वन रिवॉर्ड हर हफ्ते स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी तक कंपनी के साथ टोटल 35 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे अपने पैकेज को अपग्रेड करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप वाइट पैकेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 4 लेवल तक का ये ऑप्शन मिलता है कि आप 4 लेवल तक अपने क्राउड वन रिवॉर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप 10 यूरो पर वीक तक अपने क्राउड वन रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, पर उससे ऊपर करना है तो आपका ब्लैक पैकेज होना चाहिए जिससे आपको 8 लेवल के लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये क्राउड वन रिवॉर्ड कैसे काम आएंगे, कितना आपको परसेंटेज मिलेगा वो मैंने आपको बताया कि जो हर 3 महीने में इन थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ प्रॉफिट शेयर होगा, इन थर्ड पार्टी कंपनीज से प्रॉफिट शेयर होगा क्राउड वन के साथ, वो उन लोगों में बांटा जाएगा जिनके पास जितने क्राउड वन रिवॉर्ड होंगे। अब आपके पास कितने क्राउड वन रिवॉर्ड हैं वो उसके ऊपर डिपेंड, यहाँ पर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना क्राउड वन रिवॉर्ड है। अब मैं अपने क्राउड वन रिवॉर्ड को जितना ज़्यादा चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, उतना ज़्यादा डायरेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 20 लेवल है और मैं 20 डायरेक्ट अपने कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 20 डायरेक्ट करने के ऊपर और मेरा टाइटेनियम पैकेज रहता है तो मुझे 2,250 यूरो के क्राउड वन रिवॉर्ड मिलेंगे। तो अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2,250 यूरो के पर वीक क्राउड वन रिवॉर्ड आ रहे हैं, तो मेरे पास क्राउड वन रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा होंगे। और जिन लोगों के पास कम है, अगर कंपनी यहाँ पर 50 करोड़ रुपये का फंड जो 3 महीने में बांट रही है प्रॉफिट में से, उसमें जो 50 करोड़ में से जो मुझे डिविडेंड आना है वो मुझे ज़्यादा आएगा, बशर्ते कि उन लोगों से जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ पैकेज खरीदने के टाइम पर जो क्राउड वन रिवॉर्ड थे या 2.5 यूरो के जो हर हफ्ते कलेक्ट कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड वन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट बढ़ाऊँ। ठीक है, दूसरी इनकम यहाँ पर आ जाती है पैकेज सेल्स बोनस, जिसको हम कहते हैं बाइनरी इनकम। बाइनरी इनकम यहाँ पर 3 तरीके से काम करती है, 1:1, 1:2 एंड 1:3। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर पैकेज में आपको कुछ बाइनरी पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो ये बाइनरी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी बाइनरी कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 90 वाले पैकेज का, यानी 99 यूरो के पैकेज का जो वाइट पैकेज है जिसमें हमें 90 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक एंट्री आती है, यानी 90 पॉइंट्स लेफ्ट में 90 पॉइंट्स राइट में, तो हमारी जो बाइनरी बनती है, हमारी जो मैचिंग होती है वो होती है 180 पॉइंट्स की। दोनों पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे, 180 पॉइंट्स की मैचिंग होती है और 10 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 यूरो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मैचिंग के ऊपर मुझे यहाँ पर 18 यूरो की इनकम हो गई। इस तरीके से 1:1 में मेरी जो भी मैचिंग होगी उसमें मेरे को 18 यूरो मिलेगा, ये वाइट पैकेज के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पर मेरे पास
किसी भी एक साइड पर, राइट साइड पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरे पास दो पैकेज हैं ऑलरेडी 90-90 पॉइंट्स वाले, यानी 99 यूरो के वाइट पैकेज, और मैं अपनी तरफ से एक और पैकेज करता हूँ 99 यूरो का, तो 90 पॉइंट इधर से मिलते हैं, यानी 270 पॉइंट्स की मेरी मैचिंग होती है, जिसमें मेरे को 27 यूरो की अर्निंग होती है 1:2 में वाइट पैकेज के। और अगर 1:3 में यहाँ पर मैचिंग करता हूँ तो 1:3 में मेरे को 36 यूरो की इनकम होगी। 1:3 यानी एक साइड से तीन मेरे पास पैकेज हैं और एक साइड से एक पैकेज है, तो ये 1:3 तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। और पर वीक की जो आपकी कैपिंग है वो है 60 लाख, यानी 60 लाख रुपए की। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा कैपिंग यहाँ पर है, जिसकी वजह से लोग दो दो चार चार महीने के अंदर 2-2 करोड़ से ऊपर की इनकम यहाँ पर ले चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1:3 का एक एग्जाम्पल कंपनी ने दिया हुआ है। मान लेते हैं कि आपकी लार्जेस्ट साइड, यानी जिस तरफ आपका बिजनेस ज़्यादा है, उस तरफ आपके 10,000 पॉइंट हैं, और आप एक तरफ से एक टाइटेनियम वाला पैकेज आता है। टाइटेनियम वाला पैकेज जो है उसमें आपको 2250 पॉइंट मिलते हैं बाइनरी के। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की मैचिंग होती है तो देखिए यहाँ पर कितना मैचिंग हुआ, 2250 की मैचिंग इन्होंने एक तरफ से उठाई, और 3:1 इन्होंने एक तरफ से उठाया, 6750 का यहाँ पर एक तरफ से उठाया, 9000 पॉइंट्स की मैचिंग हुई, यानी 900 यूरो की सिर्फ आपको एक बाइनरी मिली। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट, 9000 की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका लगभग 7 लाख रुपए की होती, तो सॉरी यहाँ पर 70,000 की आपकी एक पेयर बनता है, यानी हाईएस्ट जो पेयर आपका बनता है वो 70,000 से 72,000 रुपये का एक पेयर बन जाता है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बाइनरी इनकम है ये सिर्फ एक पेयर के ऊपर। इसके बाद बात कर लेते हैं मैचिंग बोनस की। मैचिंग बोनस में अगर हम बात करें तो 5 लेवल तक आपको अपनी टीम का 10-10% उनकी बाइनरी इनकम का मिलता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए कैसी है। अगर आपके पास वाइट पैकेज है और आपने 4 लोगों को डायरेक्ट किया हुआ है, तो आपके फर्स्ट लेवल पर जो भी लोग हैं उन सभी का आपको 10% उनकी बाइनरी इनकम का मिलेगा। अगर आपके पास 8 लोग डायरेक्ट हो जाते हैं और आपके पास ब्लैक पैकेज है, तो आपको 2 लेवल से 10-10% आता है। अगर आपके पास 12 डायरेक्ट हैं और आपके पास ब्लैक पैकेज है, तो आपको 3 लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो भी बाइनरी इनकम हो रही है उसका 10-10% आता है तीनों लेवल से। गोल्ड पैकेज के साथ 16 अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 10-10% आपको 4 लेवल से आता है। और टाइटेनियम पैकेज में अगर आप 20 डायरेक्ट कर देते हैं, टाइटेनियम पैकेज और आपके 20 डायरेक्ट, ये 20 डायरेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, आपके वाइट वाले भी हो सकते हैं 20 डायरेक्ट, तो आपको 5 लेवल से 10-10% आता है। दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ चार लोगों को भी आपने 4 लोगों को रेफ़र किया और वही आपकी टीम ने भी फॉलो किया, तो आपकी जो टीम हो जाती है लगभग 5 लेवल के ऊपर वो हो जाती है 1400 लोगों की। 1400 लोगों में से सिर्फ अगर आपके 100 लोग भी पर मंथ का 50,000 रुपये कमाते हैं, यानी 5 लाख रुपये कमाते हैं, तो 5 लाख में से 10% आपका बनता है, यानी कि आपको 50 लाख में से 10% आपका 5 लाख रुपए आपकी सिर्फ और सिर्फ मैचिंग लेवल की इनकम होती है। तो एक बहुत बड़ी इनकम है। इसके लिए आपको अपनी जैसे जैसे आप डायरेक्ट बढ़ाएंगे आपकी मैचिंग लेवल इनकम बढ़ती जाएगी। तीसरी इनकम की अगर हम बात करें तो ये है आपका फियर ऑफ लॉस बोनस, कि अगर आप 14 डेज के अंदर अपने 4 डायरेक्ट कर देते हैं, अगर आपने अपने 14 दिनों के अंदर 4 डायरेक्ट कर दिया और वो 4 डायरेक्ट आपके वाइट पैकेज से हुए, तो आपको 125 यूरो मिलता है। ये आपकी अदर इनकम से सारे चीज़ों से अलग है। अगर आपने 4 डायरेक्ट कर दिए ब्लैक पैकेज से तो 375 यूरो आपको मिलता है। 4 डायरेक्ट अगर आप गोल्ड से कर देते हैं तो आपको 1000 यूरो मिलते हैं, और 4 डायरेक्ट अगर आप टाइटेनियम वाले कर देते हैं तो आपको 3000 यूरो की इनकम होती है। दोस्तों इसके बाद आती है आपकी लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इनकम, जो कि आपको एवरी मंथ मिलती है आपके लेवल अपडेट होने पर, और ये भी कंपनी आपको देती है जो थर्ड पार्टी कंपनी के साथ से प्रॉफिट होता है कंपनी को, उसके 40% का प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर आपको एवरी मंथ बांटती है। ये किन लोगों को बटेगा, जो लोग अपनी बाइनरीज बना रहे हैं और अपना लेवल अप कर रहे हैं। ठीक है, लेवल अप की अगर हम बात करें तो लेवल कैसे अप होता है, जैसे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये 18 पूल की इनकम होती है। ये 18 लेवल की इनकम होती है, जिसमें अगर आप टीम लीडर 1 पे हैं तो आपको पहले पूल की इनकम आएगी, टीम लीडर 2 पे है तो आपको 2 पूल से इनकम आएगी, और अगर आप सीनियर प्रेसिडेंट हैं तो आपको 18 के 18 लेवल से इनकम, 18 लेवल की पूल की इनकम आएगी। जो भी 40% शेयर होना है वो 18 लेवल में बटेगा और आपको हर लेवल का प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर आप कैसे अपने लेवल को अप करेंगे, जैसे कि अगर आप अभी स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप 500 पॉइंट की मैचिंग करते हैं, यानी 50 यूरो की आपकी बाइनरी से अर्निंग हो जाती है, तो आप टीम लीडर 1 बन जाते हैं और पूल 1 के अंदर आप आ जाते हैं। अगर आपकी इनकम हो जाती है 100 यूरो की, आप 1000 पॉइंट की मैचिंग कर लेते हैं,
तो आप टीम लीडर 2 बन जाते हैं। इसी तरीके से आप इस चार्ट को पूरा चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को रोक कर अगर चाहें तो, ठीक है, जिसमें आपको 18 लेवल से लेकर 21 लेवल तक है, पर आपका अगर जो पूल है वो 18 लेवल तक होता है, तो अगर 18 लेवल तक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो यहाँ पर 18 के 18 लेवल से रेजिडुअल इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको एवरी वीक मिलेगा, आप हर महीने 30 तारीख तक जिस भी लेवल पर होंगे, और ये लेवल आपका एक बार आपको बनाना होता है, आपको हर महीने नहीं बनाना होता है। आप जिस भी लेवल पर होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग उतने पूल्स की इनकम एवरी मंथ आपको मिलेगी प्रॉफिट शेयर में से, डिविडेंड जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये रेजिडुअल इनकम है जो कि 40% कंपनी शेयर करती है थर्ड पार्टी कंपनी से जो प्रॉफिट होता है उसके 40% को। यहाँ पर दो तरीके से कंपनी आपको शेयर कर रही है, एक तो आपको 40% आपको एवरी मंथ शेयर करती है, और दूसरा आपको क्राउड वन रिवॉर्ड्स की फॉर्म में करती है। जो क्राउड वन रिवॉर्ड आप स्टार्टिंग में आपको बताया था स्ट्रीम लाइन से, और आपको जो आप पैकेज खरीदते हो उसमें जो मिलते हैं, जितना भी आप क्राउड वन रिवॉर्ड कलेक्ट करते हो उनके बेसिस पे आपको जो हर 3 महीने में क्वार्टरली आपको जो प्रॉफिट शेयर होगा दूसरा 40% का, वो आपको उसी के बेस पे होगा जो कि थर्ड पार्टी कंपनी से कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम होने वाली है, क्योंकि अभी कंपनीज बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप करने वाली है, जिसमें कि अभी ऑलरेडी एक एपिक लोटो एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ एफिलगो ने टाई अप कर लिया है, ठीक है। अब ये किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कंपनी ने समझाया कि मान लीजिए 25 लाख कंपनी के पास कस्टमर हैं या 2.5 लाख मेंबर्स हैं, जो कि अगर 50 यूरो का भी पर मंथ में गेम किसी थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर खेलते हैं, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो एफिलगो के साथ शेयर किया जाएगा, क्राउड वन के साथ शेयर किया जाएगा। एफिलगो के साथ जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20% क्राउड वन रखेगा और 40% नेटवर्क लेवल, यानी कि आपको जो मंथली रेजिडुअल इनकम मिल रही है उसमें बांट दिया जाएगा, और 40% जो क्वार्टरली आपको क्राउड वन रिवॉर्ड्स के फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग होती है उसमें आपको मिलेगा एवरी 3 मंथ्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको पे आउट दिखाना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 29 तारीख की यानी एक दिन का पे आउट है, जो कि अभी जस्ट स्टार्ट ही वर्क हुआ है, 20 से 25 दिन इसको काम करते हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 29 तारीख का ये सारा पे आउट है जितनी भी बाइनरीज बनी है। और अगर मैं टोटल पे आउट की बात करूँ तो ये 396 यूरो के अप्रॉक्स का है, 396 यूरो का है। अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर बात करें तो अप्रॉक्स 35,000 रुपये। तो दोस्तों एक दिन के अंदर 35,000 रुपये की इनकम, काफ़ी कंपनीज़ में आप काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, पर आपकी कैपिंग की वजह से आप 7,000 8,000 10,000 पर ही अटक जाते हैं, पर यहाँ पर कैपिंग आपकी वीकली है 60 लाख रुपए की। तो कैपिंग का कोई झंझट नहीं है, जितनी अर्निंग करनी है उतनी अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रजिस्ट्रेशन है कंपनी का। आप जिसके थ्रू आपने जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, जो आपको ये वीडियो शेयर कर रहा है उसके साथ अभी कॉन्टैक्ट करें, उससे उसका यूज़र उसका जो रेफरल लिंक है वो मांगें, और उसके थ्रू अपना अभी रजिस्ट्रेशन करें और इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। कंपनी के पास जो पेमेंट करने के मेथड है, पेमेंट गेटवे लेने के और देने के हैं, वो है बिटकॉइन। बैंक ट्रांसफ़र कंपनी अभी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कर रही है। गिफ्ट कोड यानी आप अपने वॉलेट से आईडी बना के किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और वीज़ा कार्ड जो यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है ये आ चुका है, इसके थ्रू भी अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जो डेबिट कार्ड है वो वीज़ा है, वीज़ा कार्ड है, तो आप उसके थ्रू पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि वीज़ा कार्ड इनका कमिंग सून लिखा हुआ था वो आ चुका है, अब कंपनी का डेबिट कार्ड आने वाला है खुद का, जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पे आउट ले सकेंगे, कार्ड के थ्रू एटीएम से विड्रॉ कर सकेंगे। और ये कार्ड अभी थोड़ा सा डिले हो गया है लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो ये शायद अभी मई या जून में आपका आने वाला था, ठीक है। तो ये कार्ड आ जाएगा, इसके बाद आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और इससे आप कहीं पर भी पे आउट ले सकते हैं कंपनी का। जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने एपिक लोटो एक प्लेटफॉर्म के साथ में ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, जिसका कि अभी 25 अप्रैल को इसका जो इवेंट था वो हो चुका है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। कंपनी का ये पहला प्लेटफॉर्म है एफिलगो के थ्रू, जिसके ऊपर जाकर हम लोग एपिक लोटो से लॉटरी भी खेल सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म भी कंपनी ओपन करने वाली है सभी लोगों के लिए, जिससे कि कंपनी को बहुत जल्दी प्रॉफिट यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझने वाली चीज़ है कि क्राउड वन देखिए कोई भी गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी नहीं है, ना ही क्राउड वन किसी तरीके की कोई गेम खिलाती है, गैम्बलिंग गेम खिलवाती है। क्राउड वन एक प्लेटफॉर्म है, क्राउड को जोड़ती है, जिसके थ्रू जो थर्ड पार्टीज कंपनी है इसके ऊपर अपने
क्राउड को ऑप्शन देती है खेलने का, उनको एक लीगल कंपनी के साथ कनेक्ट करती है, जो भी लोग चाहते हैं वहाँ पर जाके खेल सकते हैं, और थर्ड पार्टीज कंपनीज के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसे अपने क्राउड के साथ शेयर करती है। मतलब कि टोटल जो भी बिजनेस यहाँ पर कंपनी कर रही है उसे अपने क्राउड के साथ भी उस प्रॉफिट को शेयर कर रही है, जिससे लोग अभी काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। 35 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है और एक मौका है, जिसने आपको ये वीडियो भेजा है तुरंत उससे कांटेक्ट कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपने डायरेक्टली मेरे YouTube चैनल पे देखा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और आज इस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है और 10-10 दिन हुए हैं सिर्फ स्टार्ट करे हुए, वो पर डे यहाँ पर एक एक गिफ्ट कोड यानी 8-8, 9-9 हज़ार रुपये की अर्निंग पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ईजीली है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो आपको 3-3 महीने में 1-1 करोड़ की इनकम से ऊपर जा चुके हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि इससे एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और लॉकडाउन के टाइम पर एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो क्राउड उनका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा आपने वीडियो देखा। अगर आपको कोई भी और अपडेट चाहिए और कोई भी डाउट्स रहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई अपडेट या वीडियो मैं यहाँ पर डालूं वो तुरंत आपको मिले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले वीडियोज़ मिलने वाले हैं क्राउड वन के। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि कोई भी मौका छोटा नहीं होता है, अगर आप मौके के टाइम पर उसे पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। और क्राउड वन एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है। आपके द्वारा लगाया गया 9,000 रुपये आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप 9,000 रुपये लगा कर इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं, पर ये एक 9,000 रुपये बहुत छोटी सी इनकम है, बहुत छोटी सी अमाउंट है आपके बिज़नेस के लिए। क्योंकि कोई भी बिज़नेस 9,000 रुपये से स्टार्ट नहीं होता, और जब आप 9,000 रुपये लगा कर यहाँ पर करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये एक फ़ैसला लेना चाहिए आज ही तुरंत। अगर आपका कोई डाउट है इस फैसले को लेने में, तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और इसको एक बार ज़रूर समझें। थैंक यू सो मच।